हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है स्वच्छ भारत अभियान, जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ये जो है आप लोग दो पार्ट में होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर जो है ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग को दो पार्ट में मेरे ये वीडियो मिलने वाले हैं। स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चंस मैं आप लोग के लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यदि आप लोग कंपटीशन एग्जाम वगैरह देते हैं, जी हाँ, उसमें यदि आप लोग स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कोई चैप्टर है या फिर आप लोग के एग्जाम में ऐसा पूछे जाने वाला कोई सब्जेक्ट है, तो आप लोग को इससे मेरे इस वीडियो से काफी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, जैसा कि बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें कि आप लोग का सब्जेक्ट फोर्थ क्लास के जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें भी आप लोग को स्वच्छ भारत अभियान, जैसे कि आप लोग का कंटेनमेंट बोर्ड सफाई वाला से रिलेटेड है, इसमें आप लोग को जो फोर्थ क्लास की वैकेंसी में स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, जिनको भी स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड क्वेश्चन की जानकारी लेनी है। चलिए मैं आप लोग को इसकी पूरी डिटेल देता हूँ, किस किस प्रकार के आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आप लोग के पार्ट वन है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया था, राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य जो था गलियों, सड़कों एवं अधोसंरचना को साफ सुथरा और कूड़ा साफ करना है, ठीक है। यह अभियान आप लोग का 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम कर समाप्त करना था। और 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1,96,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण कर खुले में शौच मुक्त भारत ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोगों को काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को 2 अक्टूबर में आप लोगों को जो ये इसका निर्माण किया गया, ठीक है, 2014 में इसका आरंभ किया गया 2 अक्टूबर 2014 पर, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस तरीके से आप लोगों को जो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप लोग देखते रहेंगे। इसके अलावा सबसे पहला एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इसमें है पानी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं। तो पानी के कौन कौन से स्रोत दूषित हो सकते हैं, नदी, झील, पाइप, जल, ढके हुए हाथ से खोदे हुए कुएं, बोरवेल या वर्षा जल ग्रह। तो उपयुक्त सभी, जी हाँ, उपयुक्त सभी जो हैं आप लोग के दूषित हो सकते हैं, चाहे वो नदी हो, झील, पाइप हो, जल हो, ढके हुए हाथ से खोदे हुए कुएं हो, बोरवेल हो या फिर वर्षा जल ग्रहण, सभी जो हैं आप लोग के दूषित हो सकते हैं। चलिए इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ये है पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। जी हाँ, पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो इसमें आप लोग को मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मिट्टी के किसी बर्तन में रखना, तल के साफ पीपे में रखना या फिर बाल्टी में रखना, इसके अलावा ऐसे कंटेनर में रखना जिसका मुंह संकरा हो तथा ढक्कन लगे हो, या फिर ऐसे कंटेनर में रखना जिसका ढक्कन टाइट हो, गर्दन संकीर्ण हो तथा टोंटी लगी हो। तो इसका क्या आंसर आप लोगों के अनुसार हो सकता है, तो मेरे अनुसार जो इसका आंसर है ई, जी हाँ, ई आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। ऐसे कंटेनर में पानी को रखना जिसका कि ढक्कन टाइट हो, जी हाँ, ढक्कन बंद हो और गर्दन संकीर्ण हो तथा टोटी लगी हो, तो ये आप लोग का जो है पेय जल सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। इसी प्रकार के आप लोग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट क्या है। जी हाँ, इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछा जाएगा किसी भी फोर्थ ग्रेड की जो आप लोग की जो एग्जाम होते हैं उसमें। तो आप लोग की स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट की जानकारी होनी चाहिए। तो सर, स्वच्छ भारत मिशन की जो वेबसाइट है यहाँ पे sbm.gov.in, जी हाँ, यही जो है आप लोग की स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट है। तो सी आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लेके आया हूँ, ये है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से लॉन्च करने जा रहा है। जी हाँ, तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से लॉन्च करने जा रहे हैं। कुल स्वच्छता अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, या फिर निर्मल भारत मिशन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का आंसर होगा सी, जी हां, निर्मल भारत मिशन। चलिए इसके बाद आप लोग का पांचवा है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने की, या फिर शहरी विकास आवास मंत्रालय ने की, या फिर शहरी विकास मंत्रालय ने की, या फिर पेय
जल और स्वच्छता मंत्रालय ने जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। तो इसका आंसर जो आप लोग का रहने वाला डीजी यहाँ पे जल और स्वच्छता मंत्रालय ने जो है आप लोग की स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे शुरुआत की है। चलिए इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है आप लोग का, एसबीएम की अवधारणा के पीछे प्रेरणा कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मोरारजी देसाई। तो इसमें जो प्रेरणा है वो आप लोग की महात्मा गांधी जी ही हैं। जी हाँ, इन्हीं को देखते हुए जो आप लोग का यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो आप लोग का ए आंसर होगा महात्मा गांधी। इसके बाद जो सेवेंथ क्वेश्चन आप लोग का निकल के आ रहा है, भारत सरकार ने शहरों और गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है, स्वच्छ पुरस्कार, स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छ क्षेत्र पुरस्कार या फिर निर्मल पुरस्कार। तो भारत सरकार ने शहरों और गांवों को स्वच्छता के लिए निर्मल पुरस्कार दिया है। जी हाँ, डी आंसर जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, भारत सरकार द्वारा भारत को स्वच्छ और हरित देश बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता अभियान, कूल सैनिटेशन कैंपेन या फिर निर्मलता अभियान। ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है, स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप लोग के इसी से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा भारत को स्वच्छ और हरित प्रदेश बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान है। चलिए इसके बाद जो नाइन्थ है, नौवां क्वेश्चन आप लोग का है, एसबीएम का पूर्ण रूप क्या है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ बहरता मिशन, सफल बहरता मिशन, सशक्त बहरता मिशन। तो इसका आप लोग का आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन। जी हाँ, एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का टेंथ, मोड डीडब्ल्यूएस का पूर्ण रूप क्या है, ड्रेनेज पानी और सीवेज मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमडीओस का पूर्ण रूप आप लोग का सी है, पेयजल और स्वच्छता मंत्री। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग का इलेवेंथ है, इलेवेंथ में आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पे एसपीएम शहरी के लिए केंद्र द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को 12,000 करोड़, 14,623 करोड़ रुपए या फिर 15,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर होगा बी, 14,623 करोड़ रुपए एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन शहर के लिए केंद्र द्वारा आवंटित की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आप लोग का ट्वेल्थ, एसबीएम यू के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग स्वच्छ भारत मिशन के ठोस अपशिष्ट को प्रबंध के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है, यहाँ पे आपकी 7,366, 7,500 या फिर आप लोग की सॉरी करोड़ 8,000 करोड़। तो इसमें आप लोग का आंसर होने वाला ये, यानी कि 7,366 करोड़ रुपए जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग का 13 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का स्वच्छ भारत मिशन को एक प्रसिद्ध भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया था, वह कौन है। तो इसमें आप लोग का महात्मा गांधी हैं, नेताजी चंद्र सुभाष चंद्र बोस हैं या फिर सरदार पटेल हैं। तो इसमें आप लोग का आंसर होने वाला ए, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी जी की जयंती पे ही आप लोग को जो है ये लॉन्च किया गया, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का निकल के आ रहा है, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया यह कौन सा था। तो यहाँ पे आप लोग की कौन सी जयंती थी उनकी, 145वीं। जी हाँ, ए है यहाँ पे 100वीं, 125वीं या फिर 145वीं। तो आप लोग का आंसर होगा यहाँ पे सी, 145। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का वो है यहाँ पे, भारत सरकार ने शौचालय निर्माण को प्राथमिकता दी है और ये प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक घर में किस वर्ष तक शौचालय होगा। तो इसका आंसर आप लोग का 2017, 2019, 2021। तो इसका आंसर होगा आप लोग का 2019। जी हाँ, 2019 तक तीन की ये प्रतिज्ञा थी। ठीक है, आप लोग की प्रत्येक घर में की शौचालय होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 16वां, इसमें आप लोग से पूछा गया, ऐसी आवश्यक चीजें क्या हैं जिन्हें अपने हाथ धोने के लिए लोगों को जरूरी होता है। जी हाँ, ऐसी कौन सी आवश्यक चीज है जो हाथ धोने के लिए लोगों को जरूरी होता है, पानी, साबुन या राख या रेत या बहता पानी या तौलिया। तो इसमें आप लोग का आंसर होने वाला है पानी, साबुन, राख या रेत। ठीक है, तो ये चीजें आवश्यक होती हैं हाथ धोने के लिए। ठीक है, इसमें आप लोग का बहता पानी और तौलिया जो है नहीं है। चलिए इसी प्रकार से 17वां क्वेश्चन है आप लोग का, यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले किन उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है, केवल पानी, राख, रेत, ब्लीच। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए, साबुन उपलब्ध ना हो हाथ धोने के लिए राख और रेत का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, केवल पानी से नहीं धो सकते आप और ब्लीच से भी नहीं धो सकते, राख या रेत का आप लोग उपयोग कर सकते हैं।
इसके बाद 18वां क्वेश्चन है आप लोग का, आपको अपने हाथ कब धोने चाहिए, भोजन पकाने या भोजन खाने से पूर्व, शौचालय का प्रयोग करने के बाद, शौचालय का प्रयोग करने में किसी छोटे बच्चे की मदद करने के बाद, ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा करने के बाद जो बीमार है, अपने सिर खरोचने के पश्चात बच्चे या डायपर नैपकिन बदलने के बाद, तो आप लोग बताइए। तो इसमें आप लोग के सभी जो है ये क्वेश्चन मुझे सही लग रहे हैं। जी आंसर आप लोग का होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कामों को करते समय आप लोग को जो है ये हाथ धोने चाहिए, चाहे आप लोग भोजन पकाने या खाने से पूर्व, शौचालय का प्रयोग करने के बाद, शौचालय का प्रयोग करने में किसी छोटे बच्चे की मदद करने के बाद, ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा करने जो बीमार है, सिर खरोचने के पश्चात डायपर नैपकिन बदलने के बाद, सभी के बाद जो है आप लोग को अपने हाथ धोने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कीटाणुओं के फैलाने में मदद करता है। जी हाँ, कीटाणुओं को कौन फैलाने में मदद करता है, इसमें आप लोग को आंसर है मक्खियां। भंडारण के डिब्बे में पानी बाहर निकालने के लिए उपयुक्त कप, कलछी या फिर स्पर्श, ऐसे डिब्बे जो ढके हुए नहीं है, तो यहाँ पे सभी के सभी आप लोग का आंसर होगा। जी हाँ, मक्खियां भी और भंडारण के डिब्बे से पानी निकालने के उपयुक्त कलछी, स्पर्श एवं ऐसे डब्बे जो ढके नहीं है, ये आप लोग को जो दूसरे व्यक्ति को कीटाणु फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आप लोग का उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो मल संबंधी अपशिष्ट का निस्तारण करने का सबसे सुरक्षित तरीका, अपशिष्ट को खुली हवा में छोड़ दें, या फिर अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना, किसी झरने में उसे बहाना, या फिर अपशिष्ट को बारिश में बहने के लिए छोड़ देना। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर होगा बी, अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना, ठीक है, ये आप लोग का सबसे सुरक्षित तरीका है मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का। इसके अलावा नेक्स्ट है आप लोग का, पीठ शौचालय कुएं से कितनी दूर पर होना चाहिए। तो पीठ शौचालय कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर, या इनमें से कोई महत्व नहीं। तो आप लोग का इसमें आंसर होगा सी, जी हाँ सी, पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर, पीठ शौचालय कुएं से पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर की दूरी पर होने चाहिए, ये आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। इसके बाद आप लोग का 22वां क्वेश्चन है, ग्राम जल और स्वच्छता समिति का अभिप्राय क्या है। स्वच्छता की देखरेख करने के लिए नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की समिति, गांव के लोगों द्वारा चुनी गई समिति, या फिर गांव में स्वैच्छिक कामगारों की समिति, या फिर ग्राम पंचायत की एक उप समिति। तो इसमें आप लोग का आंसर होगा ग्राम पंचायत की एक उप समिति, ठीक है, ग्राम जल और स्वच्छता समिति का अभिप्राय है ग्राम पंचायत की एक उप समिति, तो डी आंसर आप लोग का सही है, आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आप लोग का 23 क्वेश्चन, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। गांव के लोग, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य कर्मी या उपयुक्त सभी। जी या नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी की जिम्मेवारी है स्वच्छता की गांव में, ठीक है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है। बच्चे का मल नुकसानदेह नहीं होता, बच्चे का मल कम नुकसानदेह होता है, या फिर बच्चे का मल वयस्कों के मल जितने ही नुकसानदेह होता है। तो इसमें आप लोग का आंसर होगा बच्चे का मल वयस्कों के मल की जितना ही नुकसानदेह होता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चों का मल नुकसानदेह नहीं होता या बच्चे का मल कम नुकसानदेह होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बच्चे का मल वयस्कों के मल की तरह ही नुकसानदेह होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 25, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सहूलियत प्रदान करना, स्टेटस प्राप्त करना, या फिर मल मूत्र के मानव संपर्क को रोकना। तो इसमें आंसर होगा आप लोग का मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। जी हाँ, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, यानी कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को अपने इस वीडियो में आप लोग को 25 क्वेश्चन और कुछ डिटेल आप लोग को दी है स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड। तो आप लोग इसे देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग इसे रटिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को आते हैं, और इससे आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोग को अपने दूसरे वीडियोज में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को और जानकारी के लिए मेरे दूसरे वीडियोज देखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज में आप लोग के आता रहूं। और मेरा दूसरा वीडियो भी देख लीजिए आप लोग, उसके मेरे चैनल पे या उसके लिंक आप लोग को दिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।